अब इतने नाराज क्यों हो रहे? एक बार उस बेचारी को देख तो लो। मैं सोच रही थी अगर हम उसे हमारे घर ले आए, नहीं मेरे कहने का मतलब है बड़े से घर में छोटा सा कोना दे देंगे उसे। नहीं नहीं, जिस औरत को देखते तुम इतनी डिस्टर्ब हो जाती हो, तुम उसे घर पे लेके आना चाहती हो? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू माही? तुम उसकी हेल्प करना चाहती हो ना, थोड़े पैसे दे दो, बट तुम उसे घर पे नहीं लेके आ सकती। ठीक, मैं तो सिर्फ। नहीं माही, नो इज नो, उसे घर पे नहीं लेके आ सकती, इस बारे में और बात नहीं होगी। बहुती आ गई मेरी के निरपुर नारगस लग दी है। गल सुन नारगस दे पुत्रा के सट मेरे आह सट मेरे आह के सट मेरे दिल उते बज दी है। हट तू मेरे यार तू बेआ न कवारा मुक्का साडा पाई जा रहा हूं तेरी साथ। हाय रब, इस वक्त मैं आउट हाउस में कैसे जाऊं, क्या करूं? के निरपुर नारगस लग दी है। ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਟੀ ਆਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਬੜਾ ਫਰਗ ਪਿਆ ਪਰਤਾ ਪੇ ਭੈਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੇੜਾ ਗਰਗ ਪਿਆ ਬਿਸਤਾ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਬਸ ਮਾਈ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਅਬ ਤੱਕ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਜੂਸ ਜੂਸ ਲਾ ਰਹੀ ਥੀ लगता है आजकल हमारे साथ बैठकर खाना खाना तुझे पसंद नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? तो फिर शुरू कर। ये भी लो। नहीं मेरा तो हो गया, मैं जा रहा। ले, तेरी पेट है कि सुरमेदानी? हो गया तेरा खाना खत्म? बस बस बहुत खा लिया मैंने। बाय बाय। लो जी, अपना भी खाना हो गया, मेरा भी हो गया, और अब थोड़ा टीवी शीवी देखा जाए क्योंकि मैच आ रहा है और आज पक्का इंडिया जीतेगा। ताया जी, मैं तो कहती हूँ कि इंडिया के अलावा और कोई जीत नहीं सकता। शर्त लगाएगी? लग गई शर्त, लग गई। देखा तूने माही, बात एक ही कर रहे हैं और शर्त भी लगा रहे हैं। बिल्लो की तरह ना दिमाग पूरा सूरा हो गया इन लोगों का। ऐसे हो आप लोग? भाई तू नहीं समझेगी कामिया, ये दिमागी मामला है। चल टीवी देख। ताई जी, आपको मैच नहीं देखना? ना पुत्र, ये वेले लोगों के काम है। चल मैं और तू मिलकर एक दूसरे की अलमारी ठीक करते हैं। मैं मुझे ये सब रखना है ना पुत्र, कुछ गौरी के लिए भी छोड़ दिया कर, सारा दिन खुद ही लगी रहती है। ठीक है, आजा मेरा हाथ बटा। माही दीदी, चलिए मैं आपके बालों में तेल लगा देती हूँ।
नहीं गौरी, मुझे तेल नहीं लगाना, तुम कुछ और कर लो। दीदी मेरा काम हो गया है, चलिए। अरे तुम्हारा काम हो गया, मुझे बहुत काम है। ताई जी के बालों में तेल लगाओ। ताई जी, आप तो ऑफिस गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम ऐसी खोई खोई क्यों लग रही हो? नहीं कोई बात नहीं। लगता है किचन का सारा काम खत्म हो गया आज। अरे मैं अपना फोन भूल गया। क्या हुआ? एक्चुअली मैं और एक चीज भूल गया। अब क्या भूल गया? वाइफी से किस लेना। चलो जल्द से एक किस दे दो। शायद आप भी ना चाहिए, बहुत काम पड़ा। नहीं नहीं जल्दी किस दे दो, चलो आज कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। शायद प्लीज आप समझ नहीं रहे, आप जाइए। हाँ सब लोग देख लेंगे, सब लोग सुन लेंगे। चलो चलो एक किस दे दो। शायद जाइए ना। नहीं मुझे किस नहीं देने वाला। नहीं एक किस दे दो, चलो चलो जल्दी। कम ऑन यार। फोन बज रहा है, उठा लो। आपका ही फोन होगा, मुझे कौन फोन कर? देखिए ना। हेलो या कौन बोल रहा है? हाँ ठीक है अभी देता हूँ फोन। माही कहाँ गई? माही जरूर बेडरूम साफ कर रही होगी। ये भी ना पागल। गौरी अरे काम्या का फोन है, उसे बोल देना प्लीज। जी भैया जी। हाँ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। मना किया था ना बाहर आने से, फिर क्यों बाहर आई आप? कितनी बार बोल कर गई थी बाहर मत आना। जानती है आप, आपके वजह से कितनी परेशानी हो सकती थी। अरे किस किस को क्या क्या जवाब देती हूँ, आपको कुछ पता है आपको आपने क्या किया? अरे मैं कुछ पूछ रही हूँ और आप चली गई। मैं डर गई थी तेरे लिए। मेरे लिए? मुझे क्या हो गया था? रात को बोलकर गई थी जल्दी आऊंगी और अब मुझे डांटती है। हाँ अच्छा ठीक है, दूध लेकर आई हूँ आपके लिए, गरम गरम दूध पी लीजिए। एक मिनट लीजिए, गरम गरम दूध पीजिए, पकड़ो। अच्छा अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं दोपहर का खाना लेकर आऊंगी, आप बाहर मत आना प्लीज। चलती हूँ, दूध पी लेना। वापस आएगी ना? हाँ वापस आऊंगी, नहीं भी आई तो भी बाहर मत निकलना। लेकिन आना जरूर। हाँ क्या बात है मामा, बड़े खोए खोए लग रहे हो आज। अच्छा एक्चुअली ना मैं कुछ सोच रहा था। आप सोच रहे हो क्या? वो आपकी बुआ लवली जी ना एक सोनी महिवाल का नाटक प्ले कर रही है ना, तो मैं सोचा था कि मैं भी उसमें कुछ करूं। जैसे कि? जैसे एक्टिंग। लेकिन मामा जी एक प्रॉब्लम है, सारे रोल्स तो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। क्या बात कर रहे हो? सिवाय एक रोल को छोड़ के। कौन सा? घड़े का रोल। गधे का? नहीं मामा जी, गधे का नहीं, पॉट का, यानी घड़े का। ओ, पॉट का? हाँ लेकिन किसी ऐसे वैसे घड़े का रोल नहीं है ये। ये वो घड़ा है जिसे लेके सोनी चिनाब में कूद मरी थी। बड़ा ही हिस्टोरिकल रोल है मामा ये। अच्छा तो ठीक है,
लवली जी को कह दो कि मैं ये रोल करने को तैयार हूँ। ठीक है मामा जी, मैं कह दूंगी, बल्कि वो तो बड़ी खुश भी हो जाएंगी। खुश क्यों हो जाएगी? अरे ऐसा कनाडा रिटर्न घड़ा मिलना तो किसी भी सोनी के लिए किस्मत की बात है। क्यों भाई, कोई मजाक थोड़ी है। अरे ज्योति की बातों को ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। चाय पियो चाय, घड़े के चक्कर में चाय ठंडी हो रही है। अरे हाँ मम्मी जी, वो आपकी फ्रेंड है ना रिचा आंटी, उनका फोन आया था। अच्छा, क्या कह रही थी? हम सबका हालचाल पूछ रही थी, काफी दिन हो गए ना हमसे मिले इसीलिए। और उस दिन उन्होंने सोनी भाभी को ना ज्वेलर की शॉप में देखा, इसलिए हमारी याद आ गई और उन्होंने फोन कर लिया। कह रही थी कि उन्होंने सोनी भाभी को आवाज भी दी, लेकिन शायद सोनी भाभी ने उनकी आवाज सुनी नहीं। मुझे देखा, लेकिन मैं तो किसी ज्वेलर शॉप में गई नहीं थी। ओए गई होगी पुत्र, तो भूल गई है। वैसे भी आजकल तेरा दिमाग ठिकाने पे कहाँ रहता है, कभी तू ये भूल जाती है कभी तू वो भूल जाती है। वैसे भी ऋचा को झूठ बोलने की जरूरत क्या है? हाँ मैं यही नहीं कह रही हूँ कि वो झूठ कह रही है, लेकिन मैं सचमुच किसी ज्वेलर शॉप पे नहीं गई थी मम्मी जी। सौरभ देख, छाड़ सोनी, तू नहीं गई ना पुत्र, हम सब के सामने तुझे कसमें खाने की जरूरत क्या है? हाँ, और फिर ज्वेलर की शॉप पे जाना कोई गुनाह थोड़ी है। तू तो ऐसे कह रही है जैसे पता नहीं क्या बात। सोनी भाभी ठीक ही कह रही है, शायद ऋचा आंटी ने सोनी भाभी की जगह किसी और को देखा होगा और उन्हें लगा होगा कि वह सोनी भाभी है कि नहीं। सोनी एक जरा से ब्रेसलेट के लिए बार बार झूठ पे झूठ क्यों बोले जा रही है? ये ब्रेसलेट का चक्कर क्या है? ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है इसकी? मैं ऑफिस के लिए तैयार था। आपके लिए यूनिफॉर्म निकाल दूं? ये अचानक इतने चुप चुप क्यों हो गए? अरे पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से एक बात ही निकल गई, मैं भूल ही गई। मुझे आपको कुछ देना है। लगता है ये ब्रेसलेट के बारे में वाकई भूल गई थी, अब जाके याद आया है इसे। रब का शुक्र है। ये लीजिए, वो माही और शब्जीजू ने आपके लिए दिया है। पता नहीं मैं कैसे भूल गई, वो बर्थडे पे नहीं आ सके ना, और माही ने कहा है के वीरजी से पूछना उन्हें अच्छा लगा या नहीं। खोल के देखिए ना, क्या हुआ वीर?
हाँ नहीं कुछ नहीं, शब्द और माही को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना, और इसे मैं बाद में देख लूंगा। डैडी जी हमेशा कहा करते थे, जहां चाह है वहां राह है। चल हम दोनों साथ में जाते, आज मैं तुझे खिलाऊंगी। चल क्या देख रही है बेटा? कौन है ये? मैं जानती हूं कि किसी हालत में भी मेरी मां नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी कभी कभी उनके पास एक अपनापन महसूस होता है, और कभी 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 यही पराई लगती है। मैं जानती हूं शब्द के मना करने के बावजूद मैं उन्हें घर ले आई, ये ठीक नहीं है। मैं ये भी जानती हूं कि ये बात सबसे छुपाकर मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूं, लेकिन क्या करूं मैं? मुझे देखकर इनकी आंखों में जो ममता भर आती है, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती, क्योंकि उन आंखों में कोई झूठ नहीं, कोई खोट नहीं। क्या करूं मैं? कैसे समझाऊं उन्हें कि वो कहीं वो सचमुच मेरी मां तो नहीं?